सर हम लोग अभी निकल चुके हैं और हम लोग आ गए हैं गुजरात में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं एक और राइड पे और एक और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग लेट है तो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। गाइस फाइनली सब पैकिंग हो चुका है, पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है एंड हम लोग थोड़े से बोलते हैं ना कि लेट हो चुके हैं। सनी को मैसेज कर दिया हम लोग निकल रहे हैं, वो भी निकल जाएगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके कैडबरी जंक्शन के इधर, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रुक के ग्लव्स पहन लेते हैं और कुछ और चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। लाइक सबसे पहला चीज़ तो ये कि ये कैसा लग रहा है अपना नया मोबाइल होल्डर। सो लाइक पिछला वाला था वो टूट गया था और बहुत टाइम से उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था तो मैंने सोचा कि ये इंस्टॉल करवा लेते, इसके बारे में रिव्यू हम लोग बाद में करेंगे। एंड एक और चीज़ जो रह गया था वो था किलोमीटर्स को ज़ीरो कर लेते हैं तो वो भी अपने लिए एक अच्छा चीज़ हो जाएगा। माइलेज तो फ़िलहाल 28 बता रहा है, फ़िलहाल तो जो मैंने सिटी में चलाया था उतना ही। सो हो गया सब चीज़ सेट एंड ग्लव्स पहन के हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये राइडिंग का फीलिंग जो है बहुत ही ऑसम होता है। ओके तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये राइड का डिटेल शेयर कर देता हूँ। पहले तो हम लोग जा रहे हैं सिलवासा, एक न्यू प्लेस है, मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं। अब बहुत सारी लोकेशंस है जो देखनी है और दूसरा चीज़ ये है कि सिलवासा में हम लोग सिर्फ जाके आ नहीं रहे हैं, हम लोग का ये जो ट्रिप रहने वाला है वो टोटल 2 दिन का रहने वाला है, यानी कि हम लोग वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे ज्वाइन करने के लिए, बट द थिंग इज़ कि सब्सक्राइबर्स अगर ज्वाइन करेंगे तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग भी आएंगे और मैंने अपना होटल ऑलरेडी बुक किया था सो बाद में प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए मैंने उन लोगों को ना बोल दिया। तो अगर सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं, अगर आप लोग देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जो ब्रेकफास्ट राइड है वो प्लान करेंगे तो आप लोगों के साथ एक मस्त सुबह सुबह जाके ब्रेकफास्ट करके आएंगे राइड पे, जो कि स्मॉल राइड रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा एंड उसमें भी मज़ा आएगा, हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं क्योंकि ये जो राइड है वो तो सीधा होने वाला है टू द लोकेशन। बीच में डेफिनेटली ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे मैं और सनी दोनों, तो प्लान तो है फिलहाल होटल अहूरा में रुकने का, अभी देखते हैं आगे चल के क्या प्लान होता है। वाह मैन, आज तो घोड़बंदर रोड पूरा का पूरा खाली है जिसके वजह से हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लास्ट टाइम पे जब हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट राइड पे मनोर डैम एक्सप्लोर करने के लिए, वो टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, नसीब फटाफट निकल गए, 10 मिनट में इधर तक पहुँच गए। ब्रिज तो क्रॉस कर लिया घोड़बंदर वाला, बट तेरी तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब है जिसके वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगा है। होप सो ये ब्रिज जल्दी से बन जाए तो उसके वजह से ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि बोरीवली से जो आने वाला ट्रैफिक है वो डायरेक्ट जा सकता है, नया ब्रिज बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। अच्छा सनी यहाँ पे कहीं पे रुकने वाला था, उसने बोला था लास्ट टाइम वाला लोकेशन, अभी वो होटल मेरे को याद नहीं है बट अपने को साइड से जाते हुए देखना पड़ेगा। थिंक सो लास्ट टाइम सनी यहीं पे रुका था, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और सनी अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, देखते हैं। आई थिंक सो लास्ट टाइम पे यहीं पे वो रुका था छाव में। सो सनी इज हियर एंड हम लोगों ने सब डिटेल शेयर कर दिया,
ऐसे मैंने यहाँ पे मोबाइल लगा दिया है ये टेस्ट करने के लिए कि कितना अच्छा रिजल्ट देता है, लाइक विंड या बोलते हैं ना कि कितना वाइब्रेशन देता है या गिरेगा नहीं, उस हिसाब से। ऐसे मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे सिस्टर का है गिरा तो लग जाएंगे। चल रेडी सनी। अभी हम लोगों ने वसई क्रॉस कर लिया है एंड जैसे ही वसई क्रॉस किया ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, रास्ता पूरा एकदम खाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे ये जो है एकदम से स्टेबल है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सनी पीछे आ रहा है फॉलो करते हुए। गाइस पहला टोल आ चुका है गुजरात जाने के लिए। ओ तो दिखाई नहीं रहे कैसा कलर मार के रखा ब्लैक में। गाइस अभी हम लोग मनोर पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग रुकने वाले हो रहा, सनी आगे चल रहा है मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, ट्रैफिक बहुत ही कम है एंड हम लोग मनोर यहाँ से गए थे। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम पे आगे जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम पे हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। कितना सनी, 2 साल बाद ना, लास्ट टाइम पे गए थे सापुतारा तभी किया था। फाइनली हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है चारोटी का टोल। अभी इसके बाद गुजरात बॉर्डर पे जाने से पहले एक टोल आएगा एंड वो टोल पे देखते हैं, होप सो कि कुछ ज़्यादा चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ है कि नहीं सनी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अहूरा के वहाँ पे, जहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे दबा के, फिर इसके बाद जाएंगे सिलवासा। सनी भूख लगा है जोरों का गुड़ गुड़ हो रहा। चलो भाई स्लो कर दो, गाड़ी पहुंच गए। सनी टेस्ट करने वाला है अभी, इसका रिव्यूज कब से खतरनाक रहता है देखते हैं कैसा लगता है सनी को। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, देखते हैं अभी कैसा लग रहा है। कैसा है, मस्त है, पहली बार सनी ने किसी को। सो अभी हम लोग भी खा के देखने वाले हैं यहाँ पे कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो मैंने इसके पहले जब भी मैं गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी तभी खाया था, बट फिर भी एक बार देखते हैं इस बार की टेस्ट कैसा है। हे गाइस तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लाइक ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था और अभी पेट फुल हो चुका है, बस अभी यहाँ से निकलना है। सनी गया है फ्रेश होने के लिए और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर। ये साल के अंदर बहुत सारे राइड्स होने वाले हैं जो आप लोग देखने वाले हो अपने चैनल पर एंड अगर आप लोग कहीं पर हो तो कहीं पर रहते हो उस लोकेशन पर तो हम लोग वहाँ पर मीटअप कर सकते हैं। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है वो सारे जो अपडेट्स है वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं। सो वहाँ पे मिलने के बाद लाइक जो भी है हम लोग कहीं पे मिलना है, कहाँ पे चीज़ है, सब चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल सब चीज़ पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं सिलवासा में। सबसे पहला जगह पर जो जाना है वो है हम लोगों का होटल। सो होटल में जाने के बाद सारा जो लगेज है वो सब वहाँ पर रखेंगे, फिर इसके बाद बहुत सारे लोकेशन है जो एक्सप्लोर करने का प्लान है। अभी हम लोग का हो गया यहाँ पर ब्रेकफास्ट, एक तरीके से ब्रंच ही कर लिया हम लोगों ने और अभी इसके बाद जाना है सिलवासा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो रेडी सनी, चलो निकलते हैं। इधर गुजरात साइड में यही प्रॉब्लम है, गाय एकदम मस्त बीच में बैठी है। सबसे बड़ा चीज़ यह है कि यहाँ पर अभी आने वाला है चेक पोस्ट गुजरात वाला। सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे
अभी कुछ भी तरीके का रिपोर्ट नहीं मांगा क्योंकि दोनों डोज तो हो चुके हैं हम लोग के। वी आर एट महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, तो यहाँ से कार जा रही है आई थिंक सो, यहाँ से बाइक जाती थी, ये कार के कार वाले लोगों के लिए। ओहो इतना घूमना पड़ेगा यार अपना बाइक लेने के बाद, ओ तेरी तो सनी राइडिंग टेस्ट। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं और हम लोग आ गए हैं गुजरात में। हाँ वापी के लिए सीधा जाना है, सिलवासा के लिए नीचे से जाना है 13 किलोमीटर। मेरे को तो इसके पहले होटल में रुकना है। अरे बम्पर बम्पर, ओ तेरी, हाँ बच गया रे, इधर बम्पर नहीं था। एचपी का ये टैंकर है देख, हाँ ले लेते क्या अपना लद्दाख विदाख ऑल इंडिया भी हो जाएगा उसमें। अभी अभी तो नहीं जा सकते। वाह देख रहे क्या मस्त लेके है। प्लान तो ये है गाइस कि अभी पहले जाएंगे होटल में, सारा लगेज वहाँ पे खाली करेंगे और फिर जाएंगे जो भी बाकी के बचे जो प्लेसेस है वो। और तेरी तो स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं वहाँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उत्कर्ष होटल, अभी बस बाइक यहाँ पर छाव में पार्क किया है, चेक इन कर लेते हैं, थोड़ा सा लगेज कम कर लेंगे और फिर आगे जाएंगे। अच्छा लेकिन कॉर्नर पे ही है गाइस। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे होटल के अंदर, ये है हम लोग का रूम, मैं आप लोगों को रूम टूर इसके नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर दूंगा। ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करता हूँ जो कि था मुंबई से लेके सिलवासा बाइक राइड के बारे में। बाइक राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और अभी बहुत सारी जगह पर जाना है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, बट अभी फिलहाल के लिए ये ब्लॉग मैं एंड करता हूँ। आप लोगों को वो सारी चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लगता है लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर इधर ही पता चल रहा है। एक राउंड का 1000 रुपया।